हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जापानीज वर्ड्स के बारे में जानेंगे, वो जापानीज वर्ड्स जो मोस्ट कॉमन हैं और जो इंग्लिश डिक्शनरी का हिस्सा हैं और जो वर्ल्ड फेमस हैं। कभी ना कभी आपने इन वर्ड्स के बारे में सुना होगा, हो सकता है आपको इनका मीनिंग पता हो और ना पता हो। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है। इकिगाई का मीनिंग है रीजन फॉर बीइंग। इकिगाई दो वर्ड से मिलकर बना है। इकी मीन्स लाइफ और गाई मीन्स वैल्यू और वर्थ। इसका मतलब है जीवन का मूल्य। आपके जीवन का क्या पर्पस है, क्या रीजन है आपकी लाइफ का, तो इकिगाई मीन्स रीजन फॉर बीइंग। इकिगाई के ऊपर एक बुक भी आई हुई है, अमेजोन पर इसकी काफ़ी बिक्री हो रही है, तो इसका नाम भी इकिगाई ही रखा गया है। तो इकिगाई एक जापानीज टेक्निक है जिसकी वजह से आप अपने जीवन के मूल्य के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि आपकी लाइफ का क्या पर्पस है और अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वाबी साबी। वाबी साबी इज द जापानीज एस्थेटिक कॉन्सेप्ट। वाबी साबी इज एन एक्सेप्टेंस एप्रिसिएशन ऑफ इम्परमानेंट इम्परफेक्ट एंड इनकम्प्लीट नेचर ऑफ एवरीथिंग। जीवन के अधूरेपन को स्वीकारना, क्योंकि जीवन अनिश्चित है, अस्थाई है और अपूर्ण है। यह टेक्निक हमें सिखाती है कि जीवन जैसा है उसे उसी हालात में स्वीकारना। उसे उसी हालात में स्वीकारने से जीवन के प्रति रेजिस्टेंस खत्म होती है, जिससे जीवन जीना आसान होता है। सो हमें यह जीवन को बेटर बनाने में, लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करती है। तो ये एक जापानीज टेक्निक है जिसका नाम है वाबी साबी। नेक्स्ट वर्ड इज इकेबाना। इकेबाना इज अ जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। जापानी लोग जिस तरीके से फूलों को डेकोरेशन के लिए सजाते हैं, उस कला को इकेबाना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हाशी। हाशी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है चॉपस्टिक्स। जापानी लोग खाना खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, वो ज़्यादातर चॉपस्टिक्स का ही इस्तेमाल करते हैं, तो जापानी भाषा में चॉपस्टिक्स को हाशी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सुशी। सुशी इज अ जापानी डिश प्रिपेयर्ड विद राइस एंड फिश। सुशी एक जापानी भोजन है जो मेनली चावल और फिश के साथ बनाया जाता है। ये बहुत ही मशहूर डिश है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। नेक्स्ट वर्ड इज कताना। कताना इज अ जापानीज वर्ड। कताना एक जापानी तलवार है जिसकी धार बहुत ही तीखी मानी जाती है। जापानी योद्धा जिन्हें सामुराई कहा जाता है, वो इस तलवार को बनाते थे और जंग में इसका इस्तेमाल करते थे। सो कताना इज अ जापानीज वर्ड, एक तलवार है जो बहुत ही तीखी होती है। नेक्स्ट वर्ड इज सामुराई। सामुराई इज अ जापानीज वॉरियर। सामुराई का मतलब है जापानी योद्धा। जापानी योद्धा एक अलग तरह के आर्मर्स पहनते थे जो बहुत ही अजीब होते थे, तो जापानी योद्धाओं को सामुराई कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एरिगातो। एरिगातो इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स थैंक यू। एरिगातो गोज़ाइमासो मोर पोलाइट वे टू से थैंक यू। एरिगातो का मतलब है शुक्रिया। आसान भाषा में इसे एरिगातो कहा जाता है, और अगर पूरा फॉर्मली वे से कहना हो तो इसको कहा जाता है एरिगातो गोज़ाइमासो, जिसका मतलब है कि आप बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही हम्बली किसी को थैंक यू बोल रहे हैं, शुक्रिया बोल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कोनिचीवा। कोनिचीवा का सिंपली मतलब है हेलो। जब आप जापान में किसी से मिलते हैं और आपको हेलो बोलना हो तो आप कहेंगे कोनिचीवा। नेक्स्ट वर्ड इज सायोनारा। सायोनारा का मतलब है गुड बाय, अलविदा। जापानी भाषा में गुड बाय को सायोनारा कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज दोजो। दोजो इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स गो अहेड और गो फर्स्ट। हिंदी में इसका मतलब है पहले आप। इसका मतलब है पहले आप लीजिए, पहले आप जाइए या पहले आप खाइए। जैसे आप खाने की मेज पे बैठे हैं और आपके मेहमान आए हुए हैं और आप मेहमान को बोलेंगे आप लीजिए या आप पहले खाइए, तो आप बोलेंगे दोजो। नेक्स्ट वर्ड इज साके। साके इज अ जापानीज लिकर, अ राइस वाइन। साके जापानी शराब है। शराब को जापानी भाषा में साके कहा जाता है, जो चावल की बनी होती है।
नेक्स्ट वर्ड इज सुमो। सुमो इज अ जापानीज रेसलिंग। सुमो जापानी कुश्ती को कहते हैं। जापानी कुश्ती में जो सुमो पहलवान होते हैं, जो रेसलिंग करते हैं, उनको रिकीशी कहते हैं। नाउ द लास्ट वर्ड इज शिनिगामी। शिनिगामी आर गॉड्स और सुपरनैचुरल स्पिरिट्स दैट इनवाइट ह्यूमंस टुवर्ड्स डेथ इन जापानीज रिलीजन एंड कल्चर। शिनिगामीज आर मॉन्स्टर्स, हेल्पर्स और क्रिएटर्स ऑफ डार्कनेस। जापानीज मिथोलॉजी और कल्चर और रिलीजन में ये माना जाता है कि शिनिगामी ऐसी आत्माएं या स्पिरिट्स होती हैं जो मरने के बाद आत्माओं को दूसरे लोक में लेके जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स एंड टू नो मोर अमेजिंग थिंग्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज। थैंक यू सो मच।